अक्षय को अपने कानों में पीहू की आवाज सुनाई दे रही थी। अक्षय अच्छे से जानता था कि जो कुछ भी वह सुन रहा है वह बिल्कुल सच है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास जो शक दिया है वह उसे मदद करती है। पीहू के बारे में बताने के लिए अक्षय ने खुद से कहा, बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा बीवी, और उसे वंश राठौर को उसके किए की सजा दो देकर ही रहूंगा। उसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है, और अक्षय मल्होत्रा अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। उसने तो मेरे प्यार मेरी बीवी पर नजर डालने की हिम्मत की है, उसे इसका अंजाम भुगतना ही होगा। इतना सोचकर अक्षय कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ पीहू बेड पर ले चुकी थी। भले ही वह इस वक्त कमजोर थी, पर वंश के ना आने के कारण वह काफी खुश थी। उसे पता नहीं था कि वंश के साथ क्या हुआ है और किसने किया है, पर उसे इतना यकीन था कि अक्षय जरूर उसका पता लगा चुका होगा, और उसे यकीन था कि अक्षय बहुत जल्दी उसे यहाँ से बचा कर भी लेकर जाएगा, जिस वजह से वह शांत लेटी हुई थी। दूसरी तरफ इंडिया में कुहू अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। अब वह बेड से उड़ भी सकती थी। उसे बस डॉक्टर ने हल्का खाना खाने के लिए कहा था। घर के सभी लोग उसका अच्छे से ध्यान रख रहे थे, पर कुहू आजकल उदास रहती थी क्योंकि उसे पीहू की काफी याद आती थी। ऊपर से पीहू से उसकी फोन पर बात भी नहीं हुई थी। कुहू इस वक्त गार्डन में बैठी हुई थी और उसके पास ही वसुधा जी पर बैठी हुई थी। का के चेहरे पर उदासी थी। उसके पास ही ब्रुजो भी बैठा हुआ था जो कि उसके पैर को चाट रहा था। ब्रुजो भी काफी पतला हो गया था, जिसका कारण ये था कि कुछ दिन पहले उसे एनिमल्स में फैली एक बीमारी हो गई थी, इसलिए वह इतने दिनों से घर पर नहीं था। उसका इलाज अक्षय ने काफी अच्छे से करवाया था और वह बहुत जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा था। कुहू के उदास चेहरे को देखकर वसुधा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने प्यार से कुहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? कुहू ने वसुधा जी की तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में कहा, बड़ी दादी, मुझे मामा की याद आ रही है, डैडी भी चले गए, मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कुहू की बात सुनकर वसुधा जी के चेहरे पर उदासी आ गई। उन्हें भी पीहू की काफी चिंता थी। उन्हें तो अब तक ये भी नहीं पता था कि पीहू ठीक भी है या नहीं, पर वो कुहू के सामने यह बात जाहिर नहीं कर सकती थी क्योंकि यह कुहू की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पहले ही उनकी छोटी सी कुहू का हाथ का ऑपरेशन हुआ था और वह किसी भी कीमत पर कुहू को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। कुहू अभी चुपचाप उदास बैठी हुई थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। उसने पलट कर देखा तो रिया दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। रिया के पीछे ही रुद्र, शिवान, शयान, कियान सब लोग आ रहे थे। कुहू, जो कि अब तक बहुत उदास थी, अपने दोस्तों को देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। इन दिनों में उसने अपने स्कूल को काफी मिस किया था। रिया दौड़ते हुए आकर सीधा कुहू के पास बैठ गई और उसे धीरे से गले लगा लिया। उसने कुहू को टाइटली नहीं पकड़ा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कुहू ने भी रिया को गले से लगा लिया। रिया ने प्यारी सी आवाज में कहा, तुम ठीक हो ना कुहू? रिया की बात सुनकर कुहू ने प्यारी सी स्माइल के साथ अपना सर हिलाया। तभी पीछे से आ रहे रुद्र ने अपने हाथ में पकड़े एक चॉकलेट के डब्बे तरफ देखते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं डॉक्टर अंकल से पूछा था कि तुम ये खा सकती हो या नहीं। डॉक्टर अंकल ने कहा था कि तुम एक दिन में एक छोटा सा चॉकलेट खा सकती हो। रुद्र के हाथ में एक चॉकलेट का डब्बा था जिसमें छोटे छोटे चॉकलेट्स। रुद्र के हाथ में चॉकलेट देखकर और यह सुनकर कि वह खा सकती है, कुहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी क्योंकि दो चार दिनों से उसे सिर्फ मरीज वाला खाना दिया जा रहा था। कुहू ने जल्दी से रुद्र के हाथ से डब्बा ले लिया। रुद्र आगे बढ़ा, उसने कुहू को गले लगाना चाहा कि तभी पीछे से किसी ने गुस्से से कहा, मेरी बेबी गर्ल को छूना भी मत। सबने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कियान खड़ा था।
कियान को देखकर कोहू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही कियान ने जब कोहू को देखा तब वह धीरे से कोहू के पास आकर खड़ा हो गया। कोहू अभी गार्डन में घास पर बैठी हुई थी। इस वक्त हल्की हल्की धूप निकली थी। कियान भी कोहू के पास गार्डन में बैठ गया। वसुधा जी मुस्कुराते हुए कोहू को देख रही थी। थोड़ी देर के लिए ही सही कोहू पीहू के बारे में भूलकर अपने दोस्तों के साथ खुश नजर आ रही थी और वसुधा जी के लिए यही काफी था, वरना अक्षय के जाने के बाद कोहू और ज्यादा उदास थी। कियान ने प्यार से कोहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक हो ना बेबी गर्ल, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? उसकी आवाज में परेशानी नजर आ रही थी। कोहू ने धीरे से कहा, नहीं। कोहू को थोड़ा थोड़ा याद था कि जब वो बेहोश हो रही थी तब कियान कितना ज्यादा रो रहा था। कियान ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना और कुछ उल्टा सीधा मत खाना जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। कियान की बात सुनकर कोहू ने अपना सर हिलाया। तभी वहां पर संगीता जी आ गई। संगीता जी ने जब कियान को देखा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा छोटा सा दामाद आ गया मेरी प्यारी बेटी से मिलने। उनकी आवाज सुनकर सभी बच्चों ने उनकी तरफ देखा। वही कियान ने जब सुना कि संगीता जी ने उसे अपना दामाद कहा है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कियान ने फ्लिटी स्माइल के साथ संगीता जी की तरफ देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल आप तो मुझे भूल ही गई थी, अगर मैं नहीं आता तो आपको मेरे बारे में याद भी नहीं रहता। कियान की बात सुनकर कोहू ने घूर कर उसे देखा। वही संगीता जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे लगा कि कोहू से मिलने के लिए आए हो। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्यूटीफुल मैंने कहा ना मैं मिलने के लिए तो आपसे ही आया था, पर अब कोहू बीमार है और अगर मैंने उसे यह कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ तो से बुरा लगेगा ना, वरना असल में तो मैं मिलने के लिए आपसे ही आया हूँ। कोहू घूर घूर कर कियान को देख रही थी। वही कियान को फिर से पहले की तरह फ्लट करता देख शिवांश और अयान खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार कियान को कोहू के बीमार पड़ने के बाद रोते हुए देखा था और उस दिन के बाद कियान काफी शांत हो गया था। पर आज अपने पहले वाले शरारती कियान को देख कर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही कोहू ने मन ही मन कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुम कोहू से मिलने नहीं आए ना तो अब कोहू तुमसे बात भी नहीं करेगी। इतना सोचकर कोहू ने मुस्कुराते हुए रिया और रुद्र से कहा, चलो हम मेरे कमरे में बैठते हैं, मैं तुम्हें अपने टॉयज दिखाती हूँ। कोहू ने इतना कहा ही था कि वहां पर किसी के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। रिया जो कि कोहू के पास बैठी हुई थी इस आवाज को सुनकर डर के मारे कोहू से चिपक गई। किसी का ध्यान उसे तरफ नहीं गया था। जहां पर इस वक्त ब्रूजो बैठा हुआ था वही खुद को सबको इस तरह से इग्नोर करता देख बेचारे ब्रूजो को गुस्सा आ गया और उसने जोर की दहाड़ लगाई। प्रिया ने धीरे से अपना चेहरा पलटकर देखा और अपने सामने ब्लैक पैंथर को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने लगभग रोते हुए कोहू से चिपकती हुए कहा, यह इतना बड़ा जानवर यहाँ पर क्या कर रहा है? कोहू ने जब रिया को इतना डरते देखा तब उसने प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत, ही हमारे साथ ही रहता है, ये हमारा पेट है। कोहू की बात सुनकर रिया रुद्र शिवांश अयान सबकी आंखें हैरानी से बाहर आने को ही थी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ब्लैक पैंथर को भी कोई पेट की तरह पाल सकता है। कियान को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वह एक राजपूत था और उसके घर पर भी इस तरह की जानवर उसने पाले हुए थे, पर जब भी कोई घर पर आता था वह अपने सभी जानवरों को किसी दूसरी जगह पर भेज देता था, क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसे जानवरों को देखकर डर जाते हैं। शिवांश और अयान भी जानते थे कि कियान के घर पर ऐसे जानवर है, पर उन्होंने कभी अपनी आंखों के सामने ऐसे जानवर को देखा नहीं था। पर आज कोहू के घर पर इतने बड़े जानवर को देखकर उन दोनों को भी डर लग रहा था। रिया ने कोहू पर अपनी पकड़ करते हुए कहा, इसे यहाँ से भेजो, यह मुझे कहाँ जाएगा? रिया की बात सुनकर रुद्र ने
भी डरते डरते कहा, हाँ इसे यहाँ से भेजो कोहू, ये हमें मार डालेगा। उन दोनों को इतना डरता देखकर कोहू ने शांति से कहा, वह कुछ नहीं करेगा, वह इंसान नहीं खाता, सिर्फ उन इंसानों को खाता है जो हमारे दुश्मन होते हैं, और तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रही हूँ ना, तो वह भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसे डरना बंद करो, वह बहुत प्यार है, मैं बचपन से उसके साथ खेल रही हूँ, उसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं किया और तुम लोगों को भी कुछ नहीं करेगा, डैडी ने उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई है। कुहू की बात सुनकर भी रिया डर के मारे अपनी जगह पर कांप रही थी, तभी कुहू ने धीरे से कहा, इधर आओ। उसके इतना कहते ही ब्रिजो ने अपनी हरी हरी आंखों से सबको घूर के देखा और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। वही ब्रूजो की तरफ आता देखकर रिया ने रोते हुए कहा, उसे यहाँ से जाने के लिए कहे, वह मुझे खा जाएगा। डर के मारे रिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुहू ने भी उसे कस के पड़ा हुआ था। उसने धीरे से कहा, ये तुमसे डर रही है, इसके साथ फ्रेंडशिप करो। कुहू के इतना कहते ही ब्रूजो हो रिया के पास आकर खड़ा हो गया। रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह अपनी जगह पर खड़ी कांप रही थी। उसने कुहू को कस के पकड़ा हुआ था। ब्रूजो ने धीरे से रिया के पैरों को अपनी जीभ से चाटा। पहले तो रिया को गुदगुदी लगी, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने महसूस किया ब्रूजो किसी छोटे से कुत्ते के बच्चे की तरह उसके पैर को चाट रहा है। रिया ने डरते डरते उसकी तरफ देखा, पर उसे इतने प्यार से खुद के साथ बिहेव करता देखकर उसका थोड़ा दर्द तो कम हो ही गया, पर उसे अभी भी डर लग रहा था। कुछ देर बाद रिया को उससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये कितना प्यारा है, तुम बेवजह से डर रही थी, ये तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था, तुम सब इसके साथ फ्रेंडशिप कर लो, यह मेरा बचपन का सबसे पहला दोस्त है। शिवान शयान रुद्र ने धीरे धीरे ब्रूजो को हाथ लगाया। ब्रूजो उन लोगों को कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि कुहू उन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी। ब्रूजो इंसानों के बिहेवियर से अच्छे से समझ जाता था कि कौन उसके मालिक का दोस्त है और कौन दुश्मन, पर कियान उससे दूरी पर खड़ा होकर उसे घूर रहा था जैसे वह उसका कोई दुश्मन हो। ब्रूजो भी कियान को घूर रहा था। ऑडियो बाय साकिल JX07। इस वक्त रिया ब्रूजो से डरना बंद करके उसके सॉफ्ट बालों पर हाथ फेर रही थी। उसे काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक सभी लोग गार्डन में बैठकर कुहू के साथ बात करते रहे। कुछ देर बाद वसुधा जी ने प्यार से कुहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप काफी देर से बाहर हो बेटा, अब आपके अंदर चला चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ अंदर बैठ गया। वसुधा जी की बात सुनकर कुहू ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद सभी बच्चे कुहू के साथ उसके कमरे में मौजूद थे। कुहू के कमरे से लगकर एक प्ले रूम था जिसमें हर तरह के इंडो गेम्स थे जो कि शिवान शयान और रुद्र खेलने में बिजी थे। वही रिया कुहू के कमरे की डॉल टॉयज देखकर खुश हो रही थी। कियान कुहू को मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कुहू नीचे की गई उसकी बात की वजह से उससे बात नहीं कर रही थी। कियान ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, बेबी गर्ल मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था, पर मैं अपनी होने वाली हूँ बड़ी सासू माँ को कैसे न पटाखे रखूँ, अगर फ्यूचर में उन्हें पसंद नहीं आया तो फिर तुम्हारी और मेरी शादी थोड़ी होगी, इसलिए मैं अभी से सबको पटाखे रख रहा हूँ। इतना कहकर कियान ने कुहू की तरफ देखकर आँख मारी। कुहू ने मुंह फूलते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुम हर बार मेरा का मजाक उड़ाते हो। कुहू की बात सुनकर कियान ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ। कुहू ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे गाल मत खींचे। कियान ने प्यार से कहा, मैं तो तुम्हारे गाल खींचूंगा, तुम्हारे इतने क्यूट और चबी गाल है तो फिर मैं खींच लूंगा, नहीं तो कौन खींचेगा। कुहू और कियान अभी बात कर ही रहे थे कि तभी कुहू को
कमरे के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। कुहू जल्दी से बाहर निकली। उसका ध्यान साहिल की तरफ गया, जो कि फोन पर बात करते हुए जा रहा था। साहिल ने फोन पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पूरे 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक भाभी के बारे में कुछ पता कैसे नहीं चला? भाई लंदन गए हैं भाभी को ढूंढने के लिए, अब तक उन्होंने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी मुझे। किसी भी हालत में 1 घंटे के अंदर अंदर जानना है कि भाई लंदन क्यों गए हैं। क्या भाई को पता चल गया है कि भाभी को कोई लंदन ही किडनैप करके लेकर गया है? कुहू, जो कि इस आवाज को सुनकर बाहर निकली थी, साहिल की बात सुनकर अपनी जगह पर ही पुतले की तरह खड़ी हो गई। वह 1 इंच भी नहीं मिल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही उसके पीछे खड़े कियान ने भी सब कुछ सुन लिया था। कुहू की हालत देखकर कियान ने झटके से उसे पकड़ लिया, क्योंकि कुहू बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। उसने कुहू को संभालते हुए कहा, बेबी गर्ल खुद को संभालो। के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह लगभग बेसुध हो गई थी। हालांकि उसे अभी भी होश था, पर उसके कान में बार बार यही सुनाई दे रहा था कि उसकी मम्मी, जिसे वह 4 दिनों से इतना मिस कर रही है, उसे किसी ने किडनेप कर लिया है। कुहू के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, मम्मा। इतना कहकर उसने किया को गले लगा लिया और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुहू को इस तरह से रोता देखकर कियान परेशान होने लगा। इस वक्त कुहू का रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी हालत अभी अभी सुधारना ठीक हुई थी और कुहू के ऑपरेशन को होकर अभी सिर्फ 5 दिन हुए थे। कियान किसी भी हालत में अपनी बेबी गर्ल की कंडीशन और खराब नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसने प्यार से कुहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोना बंद करो। तुम चाहती हो ना सब लोग तुम्हारी मम्मा को जल्दी ढूंढ ले, और अगर तुमने अपनी तबीयत खराब कर दी तो सब लोग तुम्हारी मम्मी को कैसे ढूंढ पाएंगे? तुम तो मेरी प्यारी बेबी गर्ल हो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। प्लीज खुद को संभालो। कियान की बात सुनकर भी कुहू रोना बंद नहीं कर रही थी। वही उसे रोता देखकर कियान परेशान होने लगा था। तभी दूर से आ रही वसुधा जी ने जब कुहू को इस तरह से रोते देखा, वह घबराकर जल्दी से कियान और कुहू के पास आ गई। उन्होंने चिंता भरी आवाज में कहा, कुहू क्यों रो रही है? कियान, किसी ने कुछ कहा? उन्होंने प्यार से कुहू के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आप क्यों रो रही हूँ? आपको कुछ चाहिए? बेबी प्लीज बेटा रो मत, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और रोना आपके लिए काफी खतरनाक है। वसुधा जी की बात सुनकर कुहू ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी मम्मी कहाँ है? कुहू की बात सुनकर वसुधा जी चुप हो गई। उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। कुहू ने फिर से रोते हुए कहा, मेरी मम्मी कहाँ है? कुहू का सवाल दोबारा सुनकर वसुधा जी ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, हमने बताया था ना कि आपकी मम्मी शूटिंग के लिए बाहर गई हुई है, बहुत जल्दी को अपनी शूटिंग कंप्लीट करके आ जाएगी। आप उसके लिए रोना बंद करो। आप चाहती हो ना आपकी मम्मी अपनी फिल्म की शूटिंग अच्छे से कंप्लीट करे, तो आप अच्छी बच्ची की तरह अपनी मम्मी के आने का इंतजार करो। इस तरह से रोना नहीं, वरना आपकी मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। कुहू ने इस बार चिल्लाते हुए कहा, बड़ी दादी आप झूठ बोल रही हो, किसी ने मम्मी को किडनैप किया है और पापा उसे ही ढूंढने के लिए गए हैं। कुहू के मुंह से ये सुनकर वसुधा जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उनका हैरानी से कुहू की तरफ देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुहू को ये सब कैसे पता चला। वही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कुहू ने गुस्से से कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी मम्मी को किसी ने किडनैप किया है? डैडी ने भी मुझे नहीं बताया कि वो अपने ऑफिस के काम से नहीं बल्कि मम्मी को ढूंढने के लिए लंदन जा रहे हैं। मुझे मेरी मामा के पास जाना है, मतलब जाना है। कुहू ने गुस्से से वसुधा जी की तरफ देखते हुए कहा। वसुधा जी ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पहले ठीक हो जाए। आपके डैडी गए हैं ना, वह आपकी मम्मी को ढूंढ कर लेंगे। आप बस अपने डैडी पर भरोसा रखिए।
वसुधा जी की बात सुनकर कोहू ने गुस्से से कहा, डैडी ने मुझसे झूठ बोला है, मुझे डैडी पर ट्रस्ट है, पर फिर भी मुझे अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए जाना है, मतलब जाना है, आप मुझे लंदन लेकर चलिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। इतना कहकर कोहू ने कियान को धक्का दिया और दौड़ते हुए दूसरे कमरे में चली गई, क्योंकि उसके कमरे में इस वक्त उसके दोस्त मौजूद थे। वही कोहू को इस तरह से भागता देखकर वसुधा जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, कोहू प्लीज बेटा भागना बंद कीजिए, यह आपके लिए ठीक नहीं है। कोहू अक्षय और पीहू के कमरे में जाकर छुप गए। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे से टककर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मम्मी आप कहाँ हो, आपकी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ, कहते हुए वो फूट फूट कर रो रही थी। वही वसुधा जी दौड़ते हुए कमरे के बाहर आई। उन्होंने दरवाजे पर हाथ से मारते हुए कहा, बेटा प्लीज दरवाजा खोलिए, हम आपको सब कुछ समझाते हैं, इस वक्त आपको खुद को संभालना होगा ताकि हम सब लोग आपकी मम्मी को जल्दी से जल्दी ढूंढ सके, आप तो उनकी प्यारी बेटी हो ना, प्लीज बेटा दरवाजा खोलो। वसुधा जी की बात सुनकर कोहू ने अंदर से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी के पास जाना है, अगर आप लोग मुझे लंदन लेकर नहीं गए तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ना अपनी दवाएं खाऊंगी, ना खाना खाऊंगी, कहते हुए वह फिर से रोने लगी। वही वसुधा जी की आवाज सुनकर संगीता जी, संजय जी, करण की कृपा जी, ओम जी अब तक वहां पर आ गए थे। सबके चेहरे पर परेशानी थी। संगीता जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ माँ? वसुधा जी ने रोते हुए कहा, कोहू को पीहू के बारे में पता चल गया। वसुधा जी की बात सुनकर संगीता जी ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसे कहीं बाहर जाने भी नहीं दिया और घर में उसे कोई कुछ बात भी नहीं सकता। संगीता जी ने इतना कहा ही था कि वहां पर एक बच्चे की बेहद गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, सब कुछ साहिल चाचू की गलती है। सब लोगों ने उसे तरफ देखा तो कियान गुस्से से दरवाजे पर खड़ा होकर यह सब कह रहा था। ज्ञान की बातें सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने वालों, कियान ने गुस्से से कहा, साहिल चाचू कॉल पर बात करते हुए यहां से जा रहे थे, तभी बेबी गर्ल ने उनकी बातें सुन ली, जिस वजह से उसे पता चल गया कि मदर इन लॉ को किडनैप किया गया है। साहिल जो कि अभी अभी कमरे से निकला था, उसने कियान की बात सुन ली। यह सुनकर कि उसकी वजह से कोहू को सच्चाई पता चल गई है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। वह दौड़ता हुआ सभी के पास आया। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ कोहू को, क्या उसने मेरी सारी बातें सुन ली? साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने गुस्से से कहा, साहिल हमने आपसे कहा था ना कि इस बारे में घर पर कोई बात नहीं करेगा, फिर आपने क्यों किया? देखिए कोहू ने सब कुछ सुन लिया, अब उसने जिद पकड़ ली है कि हम उसे लेकर लंदन चले, वरना वह कुछ खा पिया की नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, वसुधा जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा। दूसरी तरफ वंश के घर में पीहू इस वक्त सो रही थी, तभी वह झटके से उठकर बैठ गई। झटके से उठने के कारण उसके हाथ और पर जो बंधे हुए थे उनमें तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि सलाखें लोहे की थी, उसके नाजुक हाथों में लोहे की सलाखों के कारण निशान बन गए थे। उसने जैसे तैसे खुद को संभाल कर बिठाया और चिल्लाते हुए कहा, कोहू उसने सपने में देखा था कि उसकी बेटी रोते रोते उसे बुला रही है। पीहू ने एक नज़र अपने हाथ पैरों की तरफ देखा और रोते हुए कहा, प्लीज अक्षय जल्दी आ जाए, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से जल्दी आपके और अपनी बेटी के पास जाना है, मैं आप दोनों के बिना जी नहीं सकती, अक्षय प्लीज जल्दी आ जाइए। दूसरी तरफ अक्षय इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। ड्राइवर ने कहा, सर हम राठौर मेंशन के बाहर पहुंच गए। अक्षय ने कांच से बाहर उसे घर की तरफ देखा, जिसके अंदर इस वक्त वंश ने पीहू को बंद करके रखा हुआ था। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आ गया बीवी, तुम्हें उसे शैतान की कैद से छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें अब उसके पास एक सेकेंड के लिए भी नहीं रहने दूंगा। ऑडियो बाय साकिल JX07।
अक्षय इस वक्त वंश के घर के सामने खड़ा था, उसके पीछे ही उसकी बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी थी। अक्षय एटीट्यूड से अपनी कार से बाहर निकाल और गेट के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। इस तरह से किसी अनजान को घर के अंदर आता देख घर की सिक्योरिटी टाइट हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने अक्षय को रोकते हुए कहा, आप इस तरह से बने इजाजत के घर के अंदर नहीं आ सकते। इससे पहले कि अक्षय को सिक्योरिटी गार्ड को कुछ कहता, अक्षय के पीछे से उसका एक बॉडीगार्ड आगे आया। उसने एक मक्के से ही और सिक्योरिटी गार्ड को जमीन पर लिटा दिया। अक्षय के बॉडीगार्ड्स मिलिट्री के वेल ट्रेन्ड कमांडर्स में थे, जो कि गवर्नमेंट नहीं अक्षय को स्पेशल ऑर्डर पर दिए थे। अक्षय काफी इम्पोर्टेंट पर्सन था, जिस वजह से उसके पीछे हजारों दुश्मन पड़े रहते थे। तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर भी थी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का अक्षय काफी हद तक इफेक्ट करता था। अक्षय ने घूरकर अपने सामने खड़े सभी वंश के सिक्योरिटी गार्डों को देखा। इससे पहले कि कोई कुछ करता, अगले ही पल अक्षय के बॉडीगार्ड ने सभी को जमीन पर पटक दिया था। अक्षय ने एटीट्यूड से उन सब की तरफ देखा और अपने कदम घर के अंदर की तरफ बढ़ाने लगा। अक्षय के पीछे पीछे ही उसके सभी बॉडीगार्ड्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा था अक्षय किसी राजा की तरह उनके आगे आगे चल रहा था और उसके बॉडीगार्ड किसी प्रजा की तरह उसके पीछे उसे प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे। अक्षय लिविंग रूम में आकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ घूमकर देखा। घर के सारे नौकर अक्षय को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि अक्षय की पर्सनैलिटी देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी अक्षय का ध्यान एक नौकर पर गया, जो कि अक्षय को घबराते हुए देख रहा था। अक्षय ने अपनी बॉडीगार्ड को आंख के इशारे से उसे नौकर को अपने पास लाने का इशारा किया। अक्षय का इशारा मिलते ही उसका बॉडीगार्ड उसे नौकर को खींचकर अपने सामने लेकर आ गया। वह नौकर डरते डरते अक्षय की तरफ देखने लगा। अक्षय ने शांति भरी आवाज में कहा, पीहू कहाँ है? इतना कहकर वह चुपचाप उसे नौकर की तरफ देखने लगा। अक्षय की आवाज सुनकर वह नौकर डर से थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वही उसे चुप देखकर अक्षय ने अपनी बॉडीगार्ड को इशारा किया। अक्षय के बॉडीगार्ड ने अपनी गन निकल कर उसे नौकर के माथे पर रख दी। गन को अपने माथे पर देखकर नौकर थर थर कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, थर्ड फ्लोर पर सेकेंड रूम। उसे नौकर के इतना कहते ही अक्षय बिना उसकी तरफ देखे सीधा एलिवेटर में चला गया। उसने थर्ड फ्लोर का बटन दबाया और कुछ देर बाद वह थर्ड फ्लोर पर पहुंच गया। कॉरिडोर से अक्षय सीधा सेकेंड रूम के बाहर पहुंचे। सेकेंड रूम को बाहर से बंद किया गया था। अक्षय ने रूम का दरवाजा ओपन किया और जैसे ही उसने रूम में अपना पहला कदम रखा, कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। इस वक्त रूम के अंदर पीहू रो रही थी, क्योंकि उसके हाथों में लोहे की बेड़ियों से काफी ज्यादा गहरा जख्म हो गया था। अपनी प्यारी बीवी को इस तरह से किसी जानवर की तरह बेड़ियों से बांधा देखकर अक्षय का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी वंश को जान से मार दे। अक्षय ने जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और एक धीमी आवाज में कहा, पीहू, जो कि अपने हाथ में हो रहे दर्द के कारण रो रही थी। इस आवाज को सुनकर उसका रोना बंद हो गया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। अक्षय को देखकर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। बस वह बिना पल के झपकाए अक्षय को देख रही थी, जैसे खुद को ही यकीन दिला रही हो कि अक्षय उसके सामने है। पीहू के मुझे कुछ निकल नहीं रहा था। अक्षय ने एक नज़र में ही की तरफ देखा और लंबे कदम लेटा हुआ उसके पास आ गया। पीहू अभी भी अपनी आंसू भरी आंखों से अक्षय को देख रही थी, जैसे उसे अभी भी यकीन ना हुआ हो कि अक्षय की उसके सामने है। अक्षय ने धीरे से झुककर पीहू का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैं आ गया हूँ पीहू, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा। अपने अक्षु को माफ कर दो, मुझे तुम्हें ढूंढने में इतनी देर लग गई और उसका तारांकन 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 इंसान ने तुम्हारी हालत ऐसी कर दी। अक्षय की आवाज सुनकर पीहू के मुझे सिर्फ इतना निकला अक्षु। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। वही पीहू को रोता देखकर अक्षय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह कभी अपनी प्यारी बीवी को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता।
था, पर आज उसकी बीवी उसके सामने इतना ज्यादा रो रही थी, इतने दर्द में थी, सिर्फ और सिर्फ वंश राठौर की वजह से। अक्षय किसी भी कीमत पर वंश को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अक्षय ने प्यार से पीहू को अपने सीने से लगाते हुए कहा, रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ ना, और सवाल राठौर को तो सबक मैं सिखाऊंगा। उसकी इतनी औकात नहीं कि वह अक्षय मल्होत्रा की बीवी को नजर उठाकर भी देख सके, और उसने तुम्हें मुझसे और हमारी कोह से दूर करने की कोशिश की ना, अब मैं उससे क्या क्या छीनूंगा वह सोच भी नहीं सकता। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने कुछ नहीं कहा। अक्षय ने कुछ देर में पीहू की सारी सलाखें खोल दी। पीहू के हाथ और पैर में इतनी देर बंद रहने के कारण लाल कलर के निशान बन गए थे, और कुछ जगह पर तो चोट भी लग गई थी जहां से हल्का हल्का खून रिस रहा था। अक्षय ने पीहू को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर कॉरिडोर से सीधा लेफ्ट में आ गया। पीहू चुपचाप अक्षय के सीने पर अपना कर रखे हुई थी। आज 3 दिनों बाद उसे सुकून महसूस हो रहा था अपने अक्षु की बाहों में। पिछले 3 दिनों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। अक्षय और अपनी बेटी कोहू के बिना उसे मौत बराबर अपनी जिंदगी लग रही थी। अक्षय पीहू को लेकर इस वक्त लिफ्ट में मौजूद था, और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ रही थी। पीहू का सर अक्षय के सीने पर था। अक्षय ने पीहू के माथे पर किस करते हुए कहा, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की? अक्षय का सवाल सुनकर पीहू ने आंसू भरी आंखों से अक्षय की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। अक्षय ने फिर से कहा, मैंने पूछा क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की? अक्षय की बात सुनकर पीहू ने रोते हुए कहा, अगर उसने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की होगी या फिर कुछ किया होगा तो क्या आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे अक्षु? इतना कहकर पीहू ने आंसू भरी आंखों से अक्षय की तरफ देखा। पीहू का सवाल सुनकर अक्षय ने गुस्से से चलते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? तुम ये सोचकर कैसे सकती हो कि अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि मैं उसे जान से मार दूंगा अगली बार से। अगर तुमने इस तरह के बेहुदा सवाल मुझसे किया तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आए तो मुझे मार लेना, मुझ पर गुस्सा निकाल लेना, पर अगली बार से इस तरह की कोई बेहुदा बात मुझसे मत पूछना। अक्षय की आंखों में इस वक्त गुस्सा झलक रहा था। वही अक्षय की बात सुनकर पीहू के आंसू तेज हो गए। उसने आंसू भरी आंखों से अक्षय की तरफ देखा और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, और अगर उसने मेरे साथ कुछ किया होता तो आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं होती, क्योंकि मुझ पर सिर्फ मेरे अक्षु का हक है। आपके अलावा मैं कभी किसी को खुद को छूने नहीं दूंगी, और किसी ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो उसे सिर्फ मेरी लाश मिलेगी, क्योंकि उसे इंसान के छूने से पहले ही मैं खुद की जान दे दूंगी। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं, तुम्हारे अक्षु कभी ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं और कोहू सो नहीं सकते, तुम हमारे लिए हमारी लाइफ लाइन हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए अक्षर की तरफ देखा। अब तक लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। अक्षय पीहू को लिफ्ट से लेकर बाहर निकाला, तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, वहीं रुक जाओ अक्षय मल्होत्रा। उसे आवाज को सुनकर अक्षय ने अपने सामने देखा तो सामने गुस्से से लाल आंखें लिए वंश खड़ा था। वंश को देखकर अक्षय के चेहरे पर एक कातिल मुस्कुराहट आ गई। अक्षय के बॉडीगार्ड चुपचाप खड़े थे, क्योंकि अक्षय का ही प्लान था कि 5 को यहाँ पर आने दिया जाए। अक्षय के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि वंश कुछ कहता, अक्षय ने एक थी मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे हो वंश राठौर? मैंने सुना कि तुम्हारी कंपनी बर्बाद होने की कगार पर आ गई है, यहाँ तक कि तुम्हारे सारे इल्लीगल काम भी बंद हो गए हैं। हो सकता है कि तुम्हें कल सड़क पर भीख मांगना पड़े है ना? इतना कहकर अक्षय मुस्कुराते हुए वंश को देखने लगा।
अक्षय की बातें सुनकर वंश ने नफरत भरी आवाज में कहा, इस सब के पीछे तुम ही हो ना अक्षय मल्होत्रा, तुमने मेरी पूरी कंपनी बर्बाद कर दी, मेरे सारे इलीगल कामों की खबर तुमने गवर्नमेंट को दे दी, यहाँ तक कि उनकी मदद भी की। वंश की बात सुनकर अक्षय ने हंसते हुए कहा, मेरे अलावा इतनी किसी के अंदर हिम्मत है कहाँ वंश राठौर की, तुम्हारे जैसे शैतान से पंगा ले सके, पर अगर तुम शैतान हो तो मैं शैतानों का राजा हूँ। अक्षय मल्होत्रा के बारे में अभी तुम कुछ जानते ही नहीं, इसलिए तुमने मेरी जान मेरी बीवी पर नजर डालने की हिम्मत की, यहाँ तक कि उसे मुझसे दूर यहाँ भी लेकर आ गए, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। अक्षय की बात सुनकर वंश ने चिल्लाते हुए कहा, वह तुम्हारी नहीं वह मेरी है, पिछले 5 सालों से मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, वह मेरा 5 सालों से जुनून है, और तुम उसकी जिंदगी में सिर्फ 3 महीने पहले आए हो, तो तुम उसके पति कैसे हो सकते हो, पीहू सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहेगी। वंश ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक गन शॉट की आवाज गूंजी, आवाज को सुनकर पीहू ने घबराकर अपना चेहरा अक्षय के सीने में पा दिया। दूसरी तरफ इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर मल्होत्रा फैमिली के प्राइवेट जेट में इस वक्त वसुधा जी, संजय जी, संगीता जी, साहिल, सात्विक और कोहू मौजूद थे। आखिर में घर वालों को कोहू के सामने हार माननी ही पड़ी, छोटी सी कोहू मानने को तैयार ही नहीं थी और उसकी तबीयत खराब होती देख संजय जी और घर के बाकी सब ने डिसाइड किया कि वह लोग कोहू को लेकर लंदन जाएंगे। मल्होत्रा फैमिली के अलावा वहां पर एक और इंसान मौजूद था, ये कोई और नहीं हमारे छोटे से डेविल कियान थे। कियान कोहू के बगल में बैठा हुआ था। इस वक्त प्लेन लंदन के लिए उड़ान भर चुका था। कोहू खिड़की से बाहर बादलों को देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, मम्मा बेबी आ रही है आपको बचाने। ऑडियो बाय साकिल JX07। राठौर मेंशन। पीहू का सर इस वक्त अक्षय के सीने में था। उसने कस के अपने कानों पर दोनों हाथ रख दिए थे। गन शॉट की आवाज सुनकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान हैरान था। तभी पीहू ने अपना चेहरा अक्षय के सीने से निकालकर सामने देखा। सामने वंश घुटनों के बाल जमीन पर बैठा हुआ था, क्योंकि अक्षय ने एक हाथ से उसके पैरों पर शूट कर दिया था। वंश के पैरों से लगातार खून निकल रहा था, पर उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा हो, बल्कि वह नफरत भरी नजरों से अक्षय को घूर रहा था। वंश ने चिल्लाते हुए कहा, अक्षय मल्होत्रा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, मेरी ब्यूटीफुल को मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है। वंश की बात सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू को धीरे से अपनी गोद से नीचे उतर, पीहू भी चुपचाप अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अक्षय ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है वंश राठौर, जब कुत्ते की मौत आती है कुत्ता ऐसे ही भौंकता है, पर मैं तुझे इतनी आसानी से मारूंगा नहीं। तूने जो भी किया है उसकी सजा मौत नहीं, बल्कि उसकी सजा तेरी बर्बादी है। तुझे कुत्ते की तरह रास्ते पर भीख मांगने के लिए मजबूर करूंगा, तुझे इतना मजबूर कर दूंगा कि तू उसे दिन के लिए खुद को कोसेगा। जब तूने मेरी पीहू पर नजर डालने की हिम्मत की, उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की, यह जानते हुए भी कि अक्षय मल्होत्रा क्या चीज है। अक्षय की बात सुनकर वंश ने ऊपर उसकी तरफ देखते हुए नफरत भरी आवाज में कहा, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो अक्षय मल्होत्रा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि पीहू मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी। तुम हम दोनों के बीच आए हो, तुम्हें हमारी जिंदगी से जाना ही होगा। मैं किसी भी कीमत पर पीहू को अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। 5 साल इंतजार किया है मैंने उसके लिए, 5 सालों तक लंदन में उसकी याद में तड़पता था, और 5 साल बाद जब मैं उसके पास वापस जाना चाहता था, तब तूने उससे शादी कर ली। मैं तो तेरी जान लेना चाहता था अक्षय मल्होत्रा, पर मुझे सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं बस अपनी पीहू को लेकर यहाँ आ गया। पर तू यहाँ भी उसके पीछे पीछे हमारी जिंदगी खराब करने के लिए आ गया। तुम हमारी जिंदगी से चल क्यों नहीं जाते, तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है, किसी और से शादी करो, मेरी पीहू को छोड़ो।
वंश की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, वह मेरी बीवी है, उसे अपनी कहना बंद करो, और रही बात किसी और से शादी करने की, तो वो इस जिंदगी में तो नहीं करूंगा। अक्षय मल्होत्रा सिर्फ और सिर्फ पीहू मल्होत्रा का है और उसी का रहेगी मरते दम तक। अक्षय मल्होत्रा सिर्फ अपनी पीहू से प्यार करता रहेगा। अक्षय की बात सुनकर वंश ने कहा, तो तुझे मारना होगा क्योंकि तू पीहू को छोड़ नहीं सकता और मैं अपनी पीहू को तेरे साथ देखा नहीं सकता। अक्षय मल्होत्रा इतना कहकर वंश ने उठने की कोशिश की, पर उससे पहले ही अक्षय ने उसके दूसरे पैर पर भी एक गन शूट कर दी। वंश फिर से घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गया। इस बार उसके मुँह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी बार कहूँ, मेरे सामने आवाज ऊंची मत किया करो, मुझे किसी की तेज आवाज पसंद नहीं, गुस्सा आता है मुझे। अक्षय की बात सुनकर वंश ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी पीहू को मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकते, मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं तुझे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। जिस किसी इंसान से तू सबसे ज्यादा प्यार करता होगा उसे तेरी जिंदगी से अलग कर दूंगा अगर तूने मेरी पीहू को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचा भी तो। वंश की बात सुनकर अक्षय कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर पीहू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या लगा रखा है, मेरी पीहू मैं कभी तुम्हारी नहीं थी, तुमने मेरी कॉलेज लाइफ बर्बाद कर दी अपने पागलपन की वजह से, तुमने न जाने कितने बेकसूर लड़कों की जान ले ली। क्या गलती की थी, उन लोगों ने सिर्फ मुझे लाइक करते थे पर कभी मुझे परेशान नहीं किया था, पर तुम एक सनकी पागल हो, तुमने बेवजह उन सभी को मार डाला। पीहू की बात सुनकर वंश ने अपने घुटनों को पर हाथ रखकर अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा, तुम मेरा जुनून होती हो, तुम्हारे सिवा आज तक का भी कोई लड़की यहाँ पर नहीं है। इतना कहकर उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया, और तुम मेरे दिल में पिछले 5 सालों से हो, तुम्हारी जगह में किसी और को नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरा पागलपन मेरा जुनून हो, अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहा फिर भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। वंश की बात सुनकर पीहू ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे अक्षु को टक्कर दे सको। पीहू की बात पर वंश ने शैतानी हंसी के साथ कहा, जब मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो मैं किसे खोने से डरूंगा। पीहू अब तुम भी मुझसे दूर जा रही हो, देखना तुम सबकी तबाही मेरे हाथों लिखी है, अगर मैं तबाह होऊंगा तो तुम्हें भी तबाह करूंगा। वंश की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुझे क्या लगता है तू मेरे परिवार को तबाह करेगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा, तेरी इतनी बुरी हालत करूंगा कि तू खुद को नहीं पहचान पाएगा। इतना कहकर अक्षय ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, इसे इतना टॉर्चर करो कि इसके मुंह से आवाज ना निकल सके, ये चिल्लाना चाहे पर यह सीख ना सके, इसे इतना टॉर्चर करो और इसके मुंह पर पट्टी बांधना ताकि यह चाह कर भी ना सके। अक्षय की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स ने जमीन पर पड़े वंश को उठाया। वंश के दोनों घुटनों पर अक्षय ने गन शूट की थी जिस वजह से उसके घुटनों से खून निकल रहा था, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे, वह लगातार अक्षय और पीहू को खूनी नजरों से घूर रहा था जैसे दोनों को अभी के अभी मार डालेगा। वंश ने जाते हुए पीहू की तरफ देखते हुए कहा, याद रखना पीहू, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगा और वह भी बहुत जल्दी। मेरी बात याद रखना वंश राठौर, तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। वंश बार बार यही सब कह रहा था। बॉडीगार्ड्स उसे खींच कर ले जा रहे थे। वही उसकी बात सुनकर पीहू डर से अपनी जगह पर कांप रही थी। भले ही वह जानती थी कि अक्षय काफी पावरफुल है, पर वंश की ऐसी खतरनाक बातें उसके दिल में डर महसूस करने के लिए काफी थी। पहले से ही उसने वंश के पागलपन को देखा था। वंश ने उसकी कॉलेज लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी, उसे इतना ज्यादा डिप्रेस कर दिया था कि पीहू डिप्रेशन में चली गई थी, यहाँ तक कि वह खुद को खत्म करना चाहती थी।
वंश को ज्यादा देखकर पीहू बार बार वंश के शब्दों को अपने दिमाग में दोहरा रही थी। तभी अक्षय ने पीहू को फिर से गोद में उठा लिया। अभी भी वह काफी कमजोर थी, उसके हाथ और पैरों पर कहीं चोट के निशान थे। पीहू ने अक्षय के गले में दोनों बाहर डालकर घबराते हुए कहा, अक्षु वह कुछ करेगा तो नहीं ना? उसने कहा है कि वह हमारी फैमिली बर्बाद कर देगा, उसने कुछ किया तो हम क्या करेंगे? पीहू ने घबराते हुए कहा। पीहू के चेहरे पर डर देखकर अक्षय ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो मैं क्या लगता है वंश राठौर इस तरह की धमकी देगा और मैं उसे खुला छोड़ दूंगा ताकि वो हमारे परिवार को बर्बाद कर सके। अक्षय मल्होत्रा इतना बेवकूफ नहीं है बीवी, इसलिए तुम चिंता मत करो उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो और चुपचाप घर चलो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने कुछ नहीं कहा, वह चुप हो गई। उसे अक्षय पर पूरा भरोसा था, पर फिर भी उसके दिमाग में बार बार वंश की बातें चल रही थी। उसने खुद से कहा, हे भगवान जी, बस इस बार हमारी जिंदगी में कुछ परेशानी मत आने देना। आपने हमारी पिछली जिंदगी तो हमसे छीन ली थी, पर ये तो जिंदगी आपने हमें फिर से जीने का मौका दिया है, इसमें किसी को परेशानी मत लाने देना। मुझे बस अपने अक्षु अपनी कुहू के साथ एक हैप्पी लाइफ जीनी है। कुछ देर बाद अक्षय पीहू को लेकर अपने लंदन में बने घर में पहुंचा। उसने पीहू को रूम में लिटा दिया और एक डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पीहू की चोटों पर ड्रेसिंग कर दी और डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद भी हूँ चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी, ज्यादा थकावट होने के कारण वह जल्दी ही सो गई। कुछ देर बाद अक्षय ने उसे उठाकर डिनर करवा दिया और उसे वापस सुला दिया, क्योंकि उसे इस वक्त सोने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगली सुबह जब पीहू की आंख खुली तब उसने अपने बगल में देखा, वहां पर अक्षय बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसने अक्षय की तरफ देखकर कुछ कहना चाह, तभी उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर पीहू झटके से उठकर बैठ गई, क्योंकि उसे आवाज को पीहू अच्छे से पहचानती थी। यह आवाज किसी और की नहीं, उसकी बेटी कुहू की थी। पीहू जो कि अक्षय को बुलाने वाली थी, कुहू की आवाज कानों में पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, अक्षय जो कि लैपटॉप पर कम कर रहा था। कुहू की आवाज सुनकर वह भी दरवाजे की तरफ हैरानी से देखने लगा, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरवाजे पर अपनी बेटी को देखकर अक्षय और पीहू दोनों खुश हो गए। तभी अक्षय ने मन ही मन कहा, बच्चे को यहाँ पर लेकर कौन आया है, वह भी उसकी इस कंडीशन में। अक्षय और पीहू जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए, तभी छोटी सी कुहू दौड़ते हुए सीधा जाकर बेड पर चढ़ गई और पीहू से लिपट गई। उसने पीहू को कस के गले लगाकर रोनी आवाज में कहा, मम्मी आपको किसने किडनैप किया था? डैडी ने आपको बचा लिया, बेबी आपके बिना बहुत सैड फील कर रही थी। कुहू की बात सुनकर और उसे गले लगाने के बाद पीहू ने भी सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थी। पिछले 3 दिनों से अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर वह ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। दोनों माँ बेटी को एक दूसरे के गले लगा देखकर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अक्षय अच्छे से जानता था कि दोनों के बीच भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर दोनों का दिल का रिश्ता कितना ज्यादा स्ट्रांग है, यह अक्षय से बेहतर कौन जान सकता था। तभी दरवाजे के बाहर वसुधा जी, संगीता जी, संजय जी, साहिल, सात्विक सभी आ गए। सभी लोगों ने अंदर पीहू और कुहू को देखकर चाहे मन ही मन भगवान का धन्यवाद दिया, क्योंकि देखकर उनमें से कोई उसे रोक नहीं पाया था। कुहू ने तो दवाया और खाना पीना खाने से ही मना कर दिया था और उसकी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी कि वह इस तरह से अपनी दवाया या फिर खाना पीना इग्नोर करे, जिस वजह से आखिर में सभी लोग उसे लंदन लेकर आ ही गए थे। और यहाँ आने के बाद उन्हें अक्षय के पर्सनल बॉडीगार्ड से पता चला था कि अक्षय ने पीहू को ढूंढ लिया है और पीहू इस वक्त उनके लंदन वाले घर पर मौजूद है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो गए थे और कुहू को लेकर वहां आ गए। ऑडियो बाय साकिल JX07।
अक्षय प्यार से अपनी दोनों लाइफ लाइन को देख रहा था। उसकी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई था तो उसकी बेटी और उसकी बीवी। आज दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। कुहू ने पीहू के गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मी आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना, मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपनी मासूम सी बेटी की बात सुनकर पीहू ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मी भी आपके बिना नहीं रह सकती बेबी, मैं सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ आपसे करती हूँ, आपके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, आप तो मेरे लिए मेरी लाइफ लाइन हो। पीहू की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी अक्षय, जो दोनों माँ बेटी का प्यार देख कर मुस्कुरा रहा था, उसने मुँह बनाते हुए कहा, और मैं। पीहू और कोहू ने एक साथ अक्षय की तरफ देखा और दोनों हंसने लगी। उन दोनों को हंसाता देखकर अक्षय ने दोनों को एक साथ अपनी बाहों में पढ़कर सीने से लगाते हुए कहा, और आप दोनों मेरी लाइफ लाइन हो। उन तीनों की एक छोटी सी आपकी फैमिली को देखकर सभी घर वाले जो दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे, सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वसुधा जी ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, बस आपसे यही प्रार्थना है कि जो करना हो हमारे साथ कीजिए, बस हमारे अक्षय, हमारी कुहू और पीहू तीनों को हमेशा साथ रहने दीजिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, हमारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिए। भगवान वसुधा जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, क्योंकि फ्लाइट से आने के बाद उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था और पीहू भी रात को ज्यादा नहीं खा पाई थी। ताकि होने के कारण इस वक्त पीहू के बगल में कुहू बैठी हुई थी और पीहू अपने हाथ से उसे हल्का खाना खिला रही थी। ऑपरेशन होने के कारण को ज्यादा ऑयली या फिर जंक फूड नहीं खा सकती थी, उसे लाइट फूड ही खाना था। पीहू उसे खिचड़ी खिला रही थी। कुहू, जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, वह चुपचाप अपनी मम्मी के हाथ से सब कुछ बहुत प्यार से खा रही थी, जैसे जो कुछ भी वह खा रही हो दुनिया की सबसे टेस्टी चीज हो। सभी लोग दोनों माँ बेटी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वसुधा जी ने कुहू की तरफ देखते हुए कहा, कुहू, जब मैं आपको खिचड़ी खिला रही थी आपको तो खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और अब जब पीहू आपको खिला रही है आप तो बहुत मजे से खा रही हो। वसुधा जी की बात सुनकर कुहू ने मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि यह मेरी मम्मी खिला रही है और कुहू की मम्मी जो भी खिलाती है वो अपने आप टेस्टी हो जाता है। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखने लगी। पीहू ने भी मुस्कुराकर अपनी बेटी की तरफ देखा। कुछ देर बाद सभी लोगों ने अपना खाना कम्प्लीट किया। इस वक्त सुबह के 11 बजे रहे थे। घर के सभी लोग इस वक्त घर में मौजूद थे। कुहू और पीहू तो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। जहां भी पीहू जाती को उससे चिपक कर बैठ जाती। सभी लोग समझ रहे थे कि छोटी सी कुहू के दिल में डर बैठ गया है कि कहीं उसकी मम्मी फिर से उसे दूर ना हो जाए। बचपन से सभी ने देखा था कि कुहू अपनी मम्मी के लिए कितनी ज्यादा तरसती थी, और अब जब उसकी जिंदगी में उसकी मम्मी थी तो कुहू किसी भी कीमत पर अपनी मम्मी को खोना नहीं चाहती थी। पीहू भी कुहू के चेहरे पर खुद को खोने का डर महसूस कर सकती थी, जिस वजह से वह भी कुहू को कंफर्टेबल फील करने के लिए अपने साथ बिता रही थी। वही कियान दूर से कुहू को घूर रहा था, क्योंकि लंदन आने के बाद को उन्हें एक नजर भी कियान को नहीं देखा था, उसे सिर्फ इग्नोर कर रही थी। अभी कियान मुंह बनाकर यह सब देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी, ज्यादा सोचो मत क्योंकि कोई फायदा नहीं है। कियान ने पलटकर देखा तो अक्षय उसे घूर रहा था। अक्षय को देखकर कियान ने अक्षय को घूरते हुए कहा, फादर इन लॉ आप खुद जल रहे हो, क्योंकि मदर इन लॉ और बेबी गर्ल दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आ रही है और आप मुझे बता रहे हो कि कोई फायदा नहीं है उन दोनों को देखने से। कियान की बात सुनकर अक्षय उसे घूरने लगा। तभी कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे फादर इन लॉ मेरी मदर इन लॉ है, काफी खूबसूरत, अगर वह थोड़ी छोटी होती ना तो मैं ही उन्हें प्रपोज कर देता हूँ। किया की बात सुनकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम पिद्दी से लड़के, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलती।
अक्षय की बात सुनकर कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अभी पता चला मेरी जुबान तो बचपन से ही ज्यादा चलती है। अक्षय की यह को घूरने लगा। वही कियान मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद पीहू ने कुहू को दवाइयां खिलाकर उसके कमरे में सुला दिया था और प्यार से उसके सर के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेर रही थी। होने पर किस करते हुए कहा, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, भले ही मैंने आपको जन्म नहीं दिया पर मेरे लिए आप ही मेरी पहली बच्ची रहोगी। चाहे फ्यूचर में मुझे बच्चे हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप मेरी बेटी हो। पीहू ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, चलो तुम्हें भी आराम की जरूरत है। इस आवाज को सुनकर पीहू ने अपना सर घूमकर देखा तो अक्षय प्यार से उसके सर पर सर रखकर कुहू के मासूम चेहरे को देख रहा था। पीहू ने मुस्कुराते हुए अपना कर खिलाया। अक्षय ने झटके से पीहू को गोद में उठाया और उसे लेकर कमरे में चला गया। बाकी सब भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। लंबी फ्लाइट के बाद वह लोग थक गए थे। अक्षय ने एक केयर टेकर को कुहू का ध्यान रखने के लिए कह दिया, क्योंकि कुहू कभी भी उठ सकती थी और अभी वह काफी कमजोर थी, जिस वजह से अक्षय अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। केयर टेकर को कुहू का ध्यान रखना को कहकर अक्षय पीहू के साथ रूम में आ गया। उसने पीहू को बेड पर बिठाया और खुद क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद अक्षय अपने हाथ में एक ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के शॉर्ट्स लेकर आया। पीहू अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। अक्षय को देखकर उसने कुछ भी नहीं कहा। पीहू अभी तक नहा ही नहीं थी क्योंकि सुबह उठते ही सभी लोग आ गए थे और उसके बाद कुहू पीहू को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी और पीहू के हाथों पर लगे जख्मों के कारण अक्षय उसे बात भी नहीं दिलाना चाहता था। अक्षय को देखकर पीहू कुछ कहती उससे पहले ही अक्षय ने उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिया। ये देखकर पीहू ने कहा, अक्षु यह आप क्या कर रहे हैं। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर रहा हूँ तो ज्यादा सोचो मत। अक्षय की बातें सुनकर पीहू ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। ये देखकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो। पीहू ने अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। अक्षय ने पीहू को इग्नोर किया और उसके कपड़े निकालने लगा। वही पीहू अपना एक हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन से लेकर उसके सीने तक ले जाते हुए उसकी बॉडी को सहला रही थी। अक्षय बार बार उसे आंखों से घूर रहा था पर पीहू मानने को तैयार नहीं थी। वह अक्षय को टीस कर रही थी जैसे उकसा रही हो। पीहू की हरकतों के कारण अक्षय अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। अक्षय ने पीहू को डांटे हुए कहा, ठीक से बैठो और मुझे परेशान करना बंद करो, वरना जो कुछ भी होगा उसका अंजाम तुम्हें ही भुगतना होगा। अक्षय की बात है सुनकर भी पीहू नहीं मानी और शरारती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखकर फिर से उसकी बॉडी पर यहाँ वहाँ हाथ फेरने लगी। आखिर में अक्षय ने थक हार कर लाचारगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम मुझे झेल पाओ, पहले से ही तुम काफी कमजोर हो चुकी हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, आप मुझे कभी हट नहीं कर सकते, बट आई नीड यू अक्षु, मुझे आपकी जरूरत है। जो कुछ भी मेरे साथ इतने दिनों में हुआ वह सब कुछ भूलने के लिए मुझे आपके प्यार की जरूरत है, प्लीज अक्षु लव मी। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसकी तरफ देखा। पीहू उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। अक्षय ने गहरी सांस ली और खुद बेड पर आकर पीहू को किस करने लगा। अक्षय काफी प्यार से उसे किस कर रहा था, पीहू भी उसे प्यार से किस कर रही थी। कुछ देर बाद अक्षय ने पीहू के बॉडी से सारे कपड़े अलग कर दिए थे और खुद की भी। अक्षय ने दोनों को एक सफेद चादर से ढक दिया था और वह पीहू को प्यार कर रहा था। पूरे रूम में पीहू की सिसकियां सुनाई दे रही थी और अक्षय की तेज चलती सांस। अक्षय काफी ज्यादा जेंटल पेश आ रहा था जिससे पीहू को दर्द ना हो। पीहू सिसकियां लेते हुए बार बार उसका नाम ले रही थी।
कुछ देर बाद भी होने थकी हुई आवाज में कहा, अक्षु अब नहीं, मैं थक गई। अक्षय ने पीहू की तरफ देखा जिसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। हालांकि अक्षय अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ था, पर वह अपनी बीवी को तकलीफ नहीं दे सकता था। वह पीहू के बगल में आकर लेट गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। अक्षय की लेते ही पीहू रोल होकर उसके ऊपर आकर लेट गई। उसने अपना सर अक्षय के सीने पर रखा और अपने दोनों हाथ पैर अक्षय से लिपटकर सो गए। अक्षय भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए सीलिंग को घूर रहा था। भले ही उसने पीहू से कहा था कि उसे वंश की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर वंश ने अक्षय के बारे में कुछ कहा होता तो शायद अक्षय को फर्क भी नहीं पड़ता, पर वंश की बात की मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, अक्षय के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। अक्षय को वंश से डर नहीं था, पर अक्षय ने वंश की आंखों में एक अलग ही आज देखी थी जिसे वह चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वही उसकी प्यारी बीवी थक हार कर उसके ऊपर आराम से सो गई थी। कुछ देर बाद अक्षय ने पीहू को अपने बगल में सुला दिया और खुद उठकर तैयार होकर रूम से बाहर चला गया। पीहू जो कि नींद में आराम से सो रही थी, अचानक से उसके माथे पर पसीना आने लगा और वह नींद में ही चिल्लाने लगी। उसने अपने हाथ पैर पटकते हुए कहा, छोड़ो वंश, तुम मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो उसे। इतना कहते ही पीहू झटके से उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। पीहू की आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे। उसने अपने बगल में देखा, बगल में किसी को ना देखकर उसकी सांसें तेज हो गई। वह जल्दी से खड़ी हुई और रूम से बाहर भागने लगी। वसुधा जी जो की सीढ़िया से ऊपर आ रही थी, उसे इस तरह से भागता देखकर हैरानी से उसके पीछे भागी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, पीहू क्या हुआ? पर पीहू किसी को सुन नहीं रही थी। वो लगातार कोहू के रूम की तरफ भाग रही थी। कुछ देर बाद वह कोहू के रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने झटके से दरवाजा खोला और अंदर आई। अंदर कोहू अभी भी आराम से सो रही थी। अपनी बेटी को आराम से सोता देखकर पीहू के चेहरे की परेशानी झटके से गायब हो गई और उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे।